हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं खजूर, तो चलिए हम खजूर की रेसिपी को जानते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा काजू और थोड़ा बादाम ले लेंगे। इसको हम अच्छे से घिस लेंगे। घिसने के बाद हम यहाँ पे मिश्रण तैयार करेंगे। यहाँ पे हम आधा केजी मैदा और आधा केजी आटा ले लेंगे। एक किलो मिश्रण में हम यहाँ पे आधा केजी लगभग चीनी लेंगे। चीनी को हम भिगो देंगे। हमें चीनी में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसको अच्छे से मिला के रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब आटा में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद हम जो घिसे थे काजू और बादाम उसको डाल देंगे। उसके बाद हम मैन देने के लिए यहाँ पे 2 कप रिफाइन को डालेंगे। अब यहाँ हम 2 कप दूध को डाल देंगे। इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ऐसे हाथों से हमको इसको मिलाना है। इसको बहुत ही अच्छे से मलना है। लगभग 6-7 मिनट तक इसको हमको ऐसे हाथों से मलना है ताकि मैन हमारा अच्छे से तैयार हो। अब देखिए, मलने के बाद हम जो चीनी को तैयार किए थे अब उस चीनी को डाल देंगे 5 मिनट के बाद। अब इस चीनी को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको भी हमको बहुत अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद इसको हमको 15 मिनट के लिए इसे रख देना है। पंद्रह मिनट के बाद इसमें हमें 1 कप और दूध डालना है और उसके बाद इसका आटा जैसा जो गूंथते हैं वैसा गूंथ लेना है। देखिए, हम इसको बिल्कुल आटे के जैसा गूंथ चुके हैं। अब इसका हम छोटा छोटा लोइया बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसका अब हम शेप दे देंगे। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम शेप दे चुके हैं। अब यहाँ पे हम रिफाइन को गर्म करेंगे। जब हम खजूर को डालें तो हमें आँच को बहुत ही नर्म कर देना है, तब खजूर को डालना है ताकि खजूर जले नहीं, अंदर से अच्छे से पक जाए। इसलिए हम इसको नर्म आंच पे ही पकाएंगे। इसको हम बीच में उलट देंगे, उलटते रहेंगे ताकि खजूर जले नहीं। खजूर को पूरी तरह लाल नहीं करना है, हल्का भूरा हो जाए तो खजूर को निकाल देना है। देखिए कितना सुनहरा सुनहरा हमारा खजूर लग रहा है।